नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। सहवाग जब क्रीज पे होते थे तो अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से लाखों फैंस के दिलों पर राज करते थे। लोग सहवाग को खेलते देखना चाहते थे, लेकिन सहवाग आज भी किसी न किसी वजह से खबरों में छाए रहते हैं। सहवाग की कमेंट्री हो या फिर सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट, फैंस सहवाग के इस अंदाज को खूब पसंद करते हैं। लेकिन अब टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग एक ऐसे मिशन में जुट गए हैं जिसे जानकर उनके फैंस का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वीरेंद्र सहवाग हिंदुस्तान के दो शहीदों के बेटों को अपनी क्रिकेट अकादमी में ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनका सपना है कि उन्हें टीम इंडिया में खेलता देखें। झज्जर में वीरेंद्र सहवाग के सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में अर्पित सिंह और राहुल सोरंग नाम के दो बच्चे पढ़ते हैं। ये दोनों ही बच्चे पुलवामा हमले में शहीद हुए दो जवानों के बेटे हैं। अर्पित सिंह के पिता शहीद राम वकील और राहुल सोरंग के पिता विजय सोरंग 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे, जिसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने इन दोनों बच्चों को अपने स्कूल में मुफ्त शिक्षा और अकादमी में क्रिकेट ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। बुधवार को सहवाग ने अपने ट्विटर अकाउंट से इन दोनों बच्चों की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें अर्पित सिंह बल्लेबाजी और राहुल सोरंग गेंदबाजी करते दिख रहे हैं। सहवाग ने अपनी पोस्ट में लिखा, हीरोज के बेटे, सहवाग स्कूल में इन दोनों बच्चों का पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपको बता दें कि 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।